क्रिप्टो मार्केट में एक बार पहले ऐसा हो चुका है, एक बार पहले ऐसी जंग हुई थी 2021 के अंदर, मींस डॉज कॉइन वर्सेस शिबा इनू। और तब से लेके अब तक ये कहानी चलती आ रही है। डॉज कॉइन हालांकि शिबा इनू से पहले मार्केट में आ चुका था, डॉज कॉइन की एंट्री पहले हुई है, शिबा इनू से काफी पहले हुई है, और शिबा इनू मार्केट में आया डॉज कॉइन किलर के नाम से 2020 के अंदर। लेकिन 2021 का अक्टूबर मंथ वो मंथ बना जब शिबा इनू ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया और फ्लिप किया डॉज कॉइन को, टॉप 10 में एंट्री बनाई थी शिबा इनू ने। और एक टाइम वैसा आ गया था कि जब फ्लिप कर दिया था डॉज कॉइन को, बहुत सारे लोगों को पता होगा 2021 की कहानी। लेकिन वही इंटरेस्टिंग जंग अब इन दोनों में फिर से चल रही है, और इस बार आर या पार वाली होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये जंग नंबर वन मीम कॉइन बनने की जंग है। नंबर वन पे अभी डॉज कॉइन बना हुआ है और काफी टाइम से बना हुआ है। शिबा इनू ने एक बार फ्लिप किया था बस, तब से नंबर वन मीम क्रिप्टो मार्केट कैप के मामले में वो डॉज कॉइन ही है। डॉज कॉइन को तगड़ा सपोर्ट है इलॉन मस्क का, यही रीजन है कि डॉज कॉइन टस से मस नहीं होता, ठीक है। और प्राइस बढ़ रहे हैं डॉज कॉइन के, आज भी 10-15% ऊपर चल रहा है। और वहीं शिबा इनू का भी तांडव मार्केट देख रहा है धीरे धीरे, और बड़ा तांडव देखेगा मार्केट। 20% शिबा इनू के भी प्राइस बढ़ गए। हमने पहले ही कहा है, बहुत बार कहा है कि जब डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो शिबा इनू का भी बढ़ेगा, भले ही देर सवेर बढ़ जाए। और जब शिबा इनू का प्राइस बढ़ेगा तो डॉज कॉइन का भी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और वही हो रहा है। डॉज कॉइन की कीमतें ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा पंप हो चुकी हैं पिछले कई दिन के अंदर, ठीक है। आज डॉज कॉइन 19-20 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड करता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ शिबा इनू की, आज शिबा इनू ने 4x0 के साथ 22 की सीरीज को भी हिट कर दिया। तांडव की बात हमने कही थी, और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग जंग है, और इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि आज की डेट में शिबा इनू ट्रेड करता है 12 नंबर की रैंक पे, और शिबा इनू के लेवल हैं $13 बिलियन की मार्केट कैप के साथ, आई थिंक रैंक 12 पे चल रहा है। और शिबा इनू अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी नीचे है, तो शिबा इनू का अभी ऑल टाइम हाई बाकी, और जब ऑल टाइम हाई पे जाएगा, नया ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, टॉप 10 में एंट्री आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है शिबा इनू की। और यहीं से खेल शुरू होगा शिबा डॉज कॉइन को फ्लिप करने का। डॉज कॉइन आज की डेट में 7 नंबर पे रैंक करता है, और अच्छी खासी मार्केट कैप है, 32-33 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है, काफ़ी तगड़ी मार्केट कैप है। अगर मैं शिबा इनू से कंपैरिजन करूं तो भैया डबल से भी ज़्यादा मार्केट कैप डॉज कॉइन की है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर शिबा इनू की पावर मार्केट में पूरी दिखी, पूरी हैवी पावर दिखी, तो शिबा इनू अकेला काफ़ी है डॉज कॉइन को फ्लिप करने के लिए। और इस बार ऐसा माहौल भी बन सकता है कि शिबा इनू फ्लिप करके कुछ देर रहे, कुछ देर बैठे भैया नंबर वन मीम कुर्सी पे, है ना, चेयर पे, और ऐसा देखने को बिल्कुल मिल सकता है। देखो भले ही जंग चलती रहे, एक पंप करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली पंप करेगा, डॉज कॉइन को करना पड़ेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? डॉज कॉइन और शिबा इनू दोनों के होल्डर्स को। आप अपना बेनिफिट देखो, नंबर वन मीम कॉइन कोई भी बन सकता है, ठीक है, डॉज कॉइन हो सकता है सेकंड नंबर पे आ जाए, शिबा इनू से भी बेनिफिट मिल सकता है, डॉज कॉइन से भी बेनिफिट मिल सकता है इन दोनों की जंग में। तो ये सारी कहानी है, ये सारी स्टोरी है जो अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।